छात्रों को होता है जब शनि साढ़े सात ही लगता है। तुम्हारे कॉलिग्स भी तुमसे नोट ले लेंगे, तुम्हें नोट नहीं देंगे। माइंड सपोर्ट नहीं करेगा पढ़ाई में, फेल हो जाओगी। पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और सबसे बड़ा समस्या तो मतलब बहुत मेहनत करके भी गए हो, सब कुछ पढ़ाई करके गए हो, एग्जामिनेशन में बैठे हो, माइंड सप्लाई नहीं देगा आपको कि आप अच्छा से एग्जाम लिख सको। सब कुछ दिमाग में होने के बावजूद भी हाथ में आपके लेख नहीं आते हैं, नहीं उतरते हैं। और इसमें बहुत सारे छात्र शनि साढ़े साती के समय डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत सारे बच्चे तो ड्रॉपआउट भी हो जाते हैं इस समय। लेकिन इसमें सबसे बड़ा थकावट, मानसिक थकावट, मतलब आप जब पढ़ते हो ना तो उठ के भाग जाना, एक जगह में फोकस नहीं कर पाना, या जैसे एक पन्ना पढ़ते पढ़ते आ रही हो और जब किताब खत्म या वो सब्जेक्ट खत्म हुआ तो बोलते हो अरे पढ़ा क्या, भूल गया मैंने। ठीक है, तो ये इसका छात्रों के लिए ये साढ़े साती के समय ये इफेक्ट रहता है। और इसमें ये कहना कि मैं अपना एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर पाऊंगी या मेरे को पढ़ाई में दिक्कत होने वाला है या मेरा करियर ख़राब हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, और इस समय तो एज ए मकर राशि हो या कुंभ राशि हो या मीन राशि हो, मकर के मई तक छात्रों के लिए ये समस्या रहेगा। ठीक है, मई के बाद देखना, कम पढ़ाई में भी ज़्यादा याद रख सकते हो। अभी थोड़ा सा मतलब बैक पुलिंग रहेगा, फ्रिक्शन रहेगा, पढ़ाई में रुचि नहीं रहेगा, मन थोड़ा सा भटकेगा और समय का बहुत सारा बर्बादी होगा। और सबसे बड़ा समस्या क्या जानते हो, एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बैठी हो, मन दूसरे सब्जेक्ट में चले जाएंगे। और जो टारगेट रखे हो, इसको मुझे आज ख़त्म करना है, उस टारगेट को छोड़ के बाकी सब खत्म कर लोगे लेकिन उसको नहीं कर पाओगे। ये काम कर्म क्षेत्र में भी यही होते हैं कि हम एक काम करने के लिए बैठे हैं और दूसरा काम हो रहा है लेकिन वो काम नहीं हुआ, यानी जो इम्पोर्टेंट काम है वो नहीं होना और जो नॉन इम्पोर्टेंट काम है वो हो जाना, इस प्रकार का समस्या साढ़े साती के दौरान छात्रों को फेस करना आता है। ठीक है, कर लोगे, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल का केस हो, वो सारे अभी तो पंचम में बृहस्पति जाएंगे तो आपके लिए अगला एक साल फ्रॉम अप्रैल मई से लेके 2025 तक आपके लिए, आपके माइंड के लिए, आपके पढ़ाई के लिए एक सुइटेबल कंडीशन दिख रहा है, अच्छा कंडीशन दिख रहा है। और अगर मैं आपके जो वर्तमान समय में दशाओं को भी देखता हूँ तो ये इस समय 2023 राहु खत्म हो गया और गुरु शुरू हुआ है, तो और गुरु आपके लाभ स्थान में बैठा हुआ है। और ये मैं कहूँगा कि आपके लिए उत्तम और अच्छा कंडीशन बिल्डअप करेगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। और मैं कहूँ देखो, अप्रैल में बहुत अच्छा रिजल्ट करोगे ऐसा गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मई के मई में अगर रिजल्ट निकलता है या मई के बाद आपके लिए एक सुइटेबल टाइम पीरियड बिल्डअप हो जाएगा। आप ऐसा करो, या कुंदेंदु तुषार हार धवला, जानती हो? हाँ, ये यूट्यूब से निकाल लो, माँ सरस्वती वंदना पूरा, एक तो तीन चार लाइन का है वो काम नहीं देगा, पूरा वंदना है, दिन में कम से कम 11 बार का पाठ करना है। ठीक है, हाँ डाउनलोड कर लो, 12 या 14 लाइन का होता है वो, यूट्यूब में तीन लाइन चार लाइन का ही सूत्र बताते हैं, वो उतना इफेक्टिव नहीं है। तो कुछ अच्छे रिजल्ट आप कर सकते हो। अगर 1000 स्तोत्र का पाठ हो जाए आपका, तो आपके जो छात्र लेवल पे जो आपके फ्रिक्शंस हैं, शनि साढ़े साती का जो पुलबैक है, जो रुकावट है,
वो दूर हो जाएगा। भावना है कि कुछ अच्छा रिजल्ट कर सकते हो, ठीक है बेटा। देखो दोनों करना है, अगर बीएससी में अभी एडमिशन लिए हो तो उसको कैंसिल मत करो, बीएससी के साथ अपना इंजीनियरिंग का कोशिश करते रहो, ठीक है। और एडमिशन कैंसिल नहीं करना कि मेरे को तो इंटरेस्ट नहीं है, हम बीएससी नहीं पढ़ेंगे, नहीं नहीं ऐसा मत करो, बीएससी कंटिन्यू करो, इंजीनियरिंग मिल जाए तो स्किप कर देना, लेकिन अभी का एडमिशन को डिस्ट्रॉय मत करो, वो चलने दो। नहीं नहीं अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा, एकदम अच्छा रहेगा, मंगल का कंडीशन ठीक है और तुम्हारा शुक्र का भी कंडीशन ठीक है, टेंथ हाउस का कंडीशन ठीक है, एकदम ठीक रहेगा, उसका चिंता नहीं करना है। और आपके मन में जब ये भावना आया है कि मुझे इंजीनियरिंग का एंट्रेंस देना है, जरूर दो, ठीक है। और हाँ बोलो। नहीं 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 तुम्हारे लिए हार्ड नहीं होगा, देखो केतु जिसका दशम स्थान में बैठता है वो तो सर्जरी, अच्छा सर्जरी करता है, अच्छा सर्जरियन बनता है, ठीक है। तो मैं मेडिकल लाइन को भी मना नहीं करता हूँ इस कंडीशन में, लेकिन लग्न से दशम स्थान और एकादश को देखते हुए यहाँ पर मैं इंजीनियरिंग लाइन को 50 देता हूँ और मेडिकल लाइन को भी 50 देता हूँ, ठीक है। और अभी आपका तो उम्र कम है बच्चा, है कि नहीं बेटा, तो बीएससी कंटिन्यू करो, इससे क्या होगा आगे चल के आईएएस आईपीएस आईएफएस के लिए भी ट्रायल कर सकते हो, उम्र कम है। और ये छोटे छोटे बात को लेकर दिमाग में मत डालो कि मेरा ये लाइन नहीं है वो लाइन नहीं है सब, और मेरा पिताजी बोलते हैं इंजीनियर बनूं, आप क्या बोलते हो ये बताओ, आप क्या बोलते हो, आपको इंजीनियरिंग करना है कर लो, उम्र कम है, इंजीनियरिंग क्या, मेडिकल क्या, आईएएस क्या, आईपीएस क्या, हर जगह में कूदो, ठीक है। कुंडली मजबूत है, आपका पढ़ाई का क्षेत्र गुरु बढ़िया घर में बैठा है, नॉलेजियस हो, ज्ञानी हो, बुध का भी कंडीशन देखता हूँ, बुध नॉन कॉम्बस्टेबल कंडीशन पे बढ़िया बैठा हुआ है। और यहाँ बुध और गुरु का राजयोग में अच्छा पढ़ाई होता है, डोंट वरी,